this module explains why there is most of the times a distinction between the management of a business and the ownership of a business so basically when we invest in a business or when we start a business sometimes we are we do not consider ourselves as an experts in a certain field as a naive or a beginner so for that purpose what most of the people do is that they hire a professional manager. So when you are hiring a professional manager, it means you are trying to cut down the risk that is associated with running a new business. So if you have started a new business or already established and you want to start running with smooth flow, चलता जाए मुसलसल या आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर एंड सेफर आल्सो कि आप ओनरशिप और मैनेजमेंट को के अंदर को करते कर दें कोलहदा कर दें सो so, जितने भी सक्सेसफुल बिज़नेस वेंचर्स हैं उसमें हम देखते हैं कि देर आर देर आर सक्सेस स्टोरीज जिसमें ओनरशिप ओनर ने ही मैनेज किया प्रॉपर बिजनेस को और इट टर्नड आउट टू बी अ सक्सेस बट इन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स वी सी दैट ओनर्स अपने बिज़नेस के लिए को स्मूथली रन करने के वास्ते एक्सपर्ट को हायर करते हैं एज़ अ मैनेजर और वो हैंडल करते हैं उसके सारे डिसीजन मेकिंग को और एलोकेशन ऑफ फंड्स को कैपिटल बजटिंग एट्सट्रा को फ़ाइन सो so, इससे फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये है कि फ़ॉर एग्जांपल अगर आप बिगनर हैं आपके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है कोई ख़ास किस्म के बिज़नेस को रन करने के लिए तो आप एक एक्सपर्ट मैनेजर को हायर करेंगे तो उसके पास तजर्बा होगा कोई भी बिज़नेस में पहले काम करने के लिए तो उसके तजुर्बे से आप फ़ायदा उठा सकते हैं वो जो भी डिसीशन मेकिंग करेगा वो अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर uh, करने के बाद उसको uh, आपके बिज़नेस को चलाएगा अनदर इंपोर्टेंट थिंग इज़ दैट वेन यू आर ट्राइंग टू हायर अ मैनेजर उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो अपने स्किल्स के साथ में सारे के मुख्तलिफ़ तरह के रिसोर्स को पूल करके उनको एफिशेंटली इस्तेमाल करने की उसको स्किल आती है इसलिए वो उसको इस्तेमाल कर सकता है और आपके जो बिज़नेस है वो अच्छा तरीके से चला सकता है उसको द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन वी आर गोइंग टू हायर अ मैनेजर द एडवाटेज फॉर अ बिज़नेस वुड बी दैट द मैनेजर कैन नाइसली कॉन्ट्रीब्यूट इन डाइवर्सिफाइंग वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और द वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स फंड बाय एलोकेटिंग देम इन डिफरेंट वेज सो दैट जो आपकी रिटर्न है या रिस्क है बहुत ज़्यादा आप वो उसका उसको नुकसान आपको ना पहुँचे कि जब आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे अपने फंड्स को या डिफरेंट uh, तरह की जो रिस्क है उससे आपकी जो रिटर्न है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा या आपको नुकसान नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक ही तरह का काम कर में सारे पैसे डाल देंगे तो आपको हो सकता है अगर उसमें कोई मुसीब मसाइल पेश हो जाए तो आपको उसमें नुकसान होने का अंदेशा है लिहाजा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे कि आपने कुछ पैसे किसी एक चीज़ में डालें कुछ पैसे किसी दूसरी चीज़ में डालें या आप एक इनिशियली आप एक बिज़नेस को रन करें लेकिन साथ ही में आपने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए हैं तो जब बॉन्ड से रिटर्न आएगी और आपके बिजनेस में अगर नुकसान हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा सो दिस इज़ हाउ यू कैन डाइवर्सिफाई बाई कंसिडरिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद योर बिजनेस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वैन यू आर हायरिंग अ मैनेजर और एन एक्सपर्ट हु हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द टाइप ऑफ बिजनेस विच यू आर रनिंग देन इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन सेविंग इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट दैट इज़ इन्वाल्व्ड इन गैदरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेश बिकॉज देव गॉट लिंक्स इन डिफरेंट एरियाज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड थ्रू दोज लिंक्स दे कैन गैदर द इंफॉर्मेशन मगर आप अगर खुद से ही सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना शुरू करेंगे या आपने फॉर एग्जाम्पल मैन पावर को भर्ती करना है अपने कारखाने में और आपको नहीं पता कि किस किस्म के स्किल सेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में और उनको क्या तनख्वाह देनी है और किस तरह उनको हैंडल करना है तो अगैन आपको मैनेजर जो है वो आपको मदद दे सकता है कि आप इस सारी तरह के मसाइल से बच सकते हैं एक और अहम एलिमेंट जो हम इफ़ वी डिफ्रेंसीट और डिस्टिंग सेपरेट मैनेजमेंट फ्राम ओनरशिप इज़ दैट देर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग कर्व सो लर्निंग कर्व बेसिकली टेल्जास दैट ओवरऑल वेन यू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग अ सर्टन टास्क अगर आप एक टास्क को रिपीटडली करते चले जाते हैं तो इवेंचुअली अस्टेज काम्स जब आपको वही काम को करने के लिए कम वक्त और कम रिसोर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं तो अगर आप एक एक्सपीरियंसड मैनेजर को भर्ती करते हैं अपने काम को करने के लिए तो हो सकता है कि वो एक हायर लेवल ऑफ द लर्निंग कर्व पे बैठा हो और उससे आपको एडवाटेज मिल जाए बेसिकली so आप ये सारा काम क्यों कर रहे हैं द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सीमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ अगर आप एक कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहे हैं या आप एक कॉरपोरेशन के एक शेयर होल्डर हैं और अगर आप एक कंपनी इंडिविजुअल कंपनी को रन करें तो अगैन द ऑबजेक्टिव वुड बी टू मैक्माइज योर प्रॉफिट द मैक्माइजेशन ऑफ द प्रोफिट और द मैक्माइजेशन ऑफ द वेल्थ इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म सो इफ यू आर डीलिंग विद द कॉरपोरेट corporation, then again the objective of doing all the various types of activities is to maximize the shareholders' wealth, वेल्थ yeah, या उसकी बेनिफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा होगी दैट इज द ऑब्जेक्टिव और वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अगर आपको लग रहा है कि एक्सपर्ट मैनेजर ही ऐसे कर सकता है तो देन यू विल हायर अ मैनेजर और यू हायर द एक्सपर्ट्स दैट आर हैविंग गुड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंगज और मैटर्स दैट आर रेलिवेंट टू दैट पर्टूलर एरिया जिसके लिए आपको कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है सो इट इज़ बेटर टू सेग्रीगेट द ओनरशिप फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंडिटी इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गनाइजेशन विच इज़ टू मैक्सीमाइज द वेल्थ और द टू मैक्सीमाइाइज द शेयर होल्डर वेल्थ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अ कारपोरेशन